हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। मैं यहाँ पे अभी आ चुका हूँ जाजपुर में, जो कि मेरा नाना का घर है। ठीक है, सो मैं जाजपुर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ ज़्यादा आइटिनरी नहीं है, छोटा छोटा जगह है, हिडन प्लेसेस सब है। ठीक है, सो आज हम जा रहे हैं अशोकझर। अशोकझर मेरे नाना के घर से तकरीबन 50 या 52 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मैं पहले उसे कवर करता हूँ और उसका जितना भी डिटेल्स डायरेक्शन वगैरह रहेगा सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ पे आके आराम से घूम के जा सकते हैं। फाइनली आके हम अशोकझर पे पहुंच गए। वो पीछे जो पुजारी हैं देख रहे हैं ना, ये हमको बताए जगह के बारे में, आगे बता दूंगा आपको। तो बारिश के सीजन थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, हमारे पास छाता तो है नहीं, तो हम तो लाए हैं अपना रेन कोट यहाँ पे। ठीक है, इसको लेके जाएंगे और देखिए हम जहाँ जाते हैं टिपू हमारे साथ। ठीक है, टिपू तो चलिए फिर थोड़ा ट्रेक करके जाते हैं। ठाकुर शिव अच्छे, राम अच्छे, लक्ष्मण अच्छे, हनुमान अच्छे, सुग्रीव अच्छा, श्रीकृष्ण अच्छा, गणेश मूर्ति अच्छे। अच्छा, मैंने झरणाटा को गोटे गच्छ तलु बाहर नहीं गच्छ तलु बाहर जो इे मड़ी इे मड़ आ भितर कुंड भाया गोटे अच्छे। अच्छा, से पाटा लोक मैंने पाटा देखा सब लोग जा पाटा देखा भितर जो पाटा अच्छे। अच्छा, आदिरा भाया पाई छुंची पड़े पवित्र पवित्र हो जाए, जन जन मनोकामना पूरण हो जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ मैं ठीक अच्छे तेल आसू बुल पूरा है। हाँ दोस्तों, अभी हम चले ऊपर, ये देखिए साइड में क्या है, बट ये स्लीपर ही है, होप सो हम गिरे ना। तो बहुत शुक्रिया, देखिए और ये यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू। ये देखो ऊपर एक मंदिर है वहाँ पे, पानी आ रहा है इधर, ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। छोटा सा झरना, तो गाइस फाइनली आके हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास, लेकिन जोर से यहां पे बारिश हो रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे आप है वाटरफॉल, जो कि है अशोक झर वाटरफॉल, और मैं यहां पे पूरा बारिश में भीग गया हूं, रेनकोट पकड़ा हुआ हूं, पीछे भाई है मेरा, पीछे मेरे भाई है। ठीक है, तो आपका ये रहा वाटरफॉल। तो और देखिए बारिश ऐसे हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा है ऐसे। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों नीचे पानी कैसे जा रहा है, और यहाँ पर अशोक झर।
तो गाइस ये रहा मेरे पीछे अशोक झर वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन बारिश हो रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से मैंने रेनकोट पहना हुआ है। ठीक है, 8 किलोमीटर आने के बाद हमको अच्छा लगा, चलो ये जगह थोड़ा पैसा वसूल वाला है। तो दोस्तों अभी हम चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं गुफा की ओर, और ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है। और इधर कौन है, भूत? वाओ मैन, चलो गुफा की ओर चलो। तो दोस्तों यहाँ से आगे है गुफा के लिए रास्ता, लेकिन बहुत बारिश हो रहा है और रास्ता भी बहुत घना है। हम दो है तो आगे जाना और सेफ में रहेगा, तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं।